17वीं सदी का भारत और इसी भारत के गुजरात, मेवाड़, मालवा, बीजापुर, गोलकोंडा, काबुल, कश्मीर, पेशावर, लाहौर, अवध, मुल्तान, कटक, अरकोट और तकरीबन पूरे भारत पर एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत आबाद हुआ करती थी। इस सल्तनत की बुनियाद रखे अभी 100 साल भी नहीं गुजरे थे कि इन्हीं 100 सालों के अंदर ही अंदर इस सल्तनत ने पूरे भारत पर अपने परचम लहरा दिए थे। जिस सल्तनत को आज हम और आप सल्तनत मुगल के नाम से याद करते हैं, जिस सल्तनत ने भारत की कई छोटी बड़ी रियासतों को उधेड़ के रख दिया, जिसके दौर में उससे टकराने वाली या उससे मद्दे मुकाबिल हो सके ऐसी कोई दूसरी सल्तनत भारत में मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि मुगलों से टकराने का मतलब है अपनी ही रियासत को दाव पे लगा देना। लेकिन वक्त के रहते मुगलिया सल्तनत में कई बगावतें भी हुई, जिन बगावतों में अफगान, राजपूत और मराठा जैसी कद्दावर और जिद्दोजहद करने वाली रियासतें शामिल थी। लेकिन कोई भी रियासत मुगल सल्तनत का बाल भी बाका ना कर सकी, तो फिर ये मजबूत सल्तनत आखिर खत्म कैसे हुई? जो काम अफगान, राजपूत और मराठा जैसी ताकतवर रियासतें न कर सकी, वो काम बुजदिल अंग्रेजों ने कैसे कर दिखाया? अंग्रेजों ने मुगलों की सल्तनत को आखिर किस तरह से काटा था कि पूरे भारत पर हुकूमत करने वाली मुगल सल्तनत पूरी तरह से तितर बितर होके रह गई? यही सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मुगल सल्तनत के खात्मे की शुरुआत हुई थी 17वीं सदी में, जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए अपने पैर पसारना शुरू किया था। दरअसल साल 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर बाद में रानी एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ साथ भारत में व्यापार करने का शाही परवाना भी मिल जाता है। मतलब कि इंग्लैंड की तरफ से इन अंग्रेज व्यापारियों को खुली छूट दे दी जाती है कि तुम अपने बलबूते पर दुनिया के पूर्वी हिस्से के देशों पर अपने व्यापारी अड्डे खोल सकते हो। और इसी वजह से व्यापार करने के इरादे से अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग्स और उसके बाद थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं। ये दो अंग्रेज अफसर मुगलों को ढेर सारे तोहफे देते हुए इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के बहुत सारे फायदे भी बताते हैं। लेकिन इनसे पहले कुछ पोर्टुगीज व्यापारी भारत में अपने व्यापारी अड्डे जमा चुके थे और मुगलिया दरबार तक पैर भी पसार चुके थे, इसलिए शुरुआत में तो बादशाह जहांगीर कुछ नोबल्स और पोर्टुगीज के दबाव में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी मदद देने से मना कर देते हैं। लेकिन ये अंग्रेज हार नहीं मानते और कोशिश करते रहते हैं। इनकी लगातार मेहनत और इनके बड़े बड़े व्यापार से होने वाले फायदे और साथ ही साथ मुगल सल्तनत को टैक्स वसूल करके होने वाले फायदों की वजह से आखिरकार बादशाह जहांगीर इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में व्यापार करने और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का शाही परवाना दे देते हैं। शाही फरमान यानी मुगल बादशाह के हुक्म के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी मुगलिया सल्तनत में अपनी फैक्ट्रियां खोलने और व्यापार करने की इजाजत मिल जाती है, और इसके बदले में ये अंग्रेज मुगलिया सल्तनत को सालाना भुगतान यानी तंदौलत चुकाएंगे। अब शाही फरमान मिलने के बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपनी फैक्ट्रियों की बुनियाद रखते हैं। सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता और पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां लगा देते हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ अपने फायदे वाले व्यापार, शाही फरमान और बेहतर मुआहिदों की वजह से अंग्रेजों की इन फैक्ट्रियों पर इर्द गिर्द के व्यापारियों की भीड़ लग जाती है, और मुगलिया सल्तनत के दूर दराज के इलाकों से व्यापारी और रोजगार हासिल करने वाले इन शहरों की तरफ आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स की ख्वाहिशें बढ़ने लगती है। पहले उनका इरादा सिर्फ भारत में व्यापार करने का था, लेकिन फिर बाद में उन्हें यह एहसास हो गया कि भारत की राजसत्ता को अगर किसी तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाए तो भारत में उनका व्यापार करना और भी आसान और मुनाफा बख्श हो जाएगा। और इसी लालच की बुनियाद पर ईस्ट इंडिया कंपनी साल 1686 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ देती है। लेकिन बादशाह औरंगजेब अंग्रेजों के चारों खाने चित कर देते हैं और अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ता है। बादशाह औरंगजेब से हारने के बाद अंग्रेज ये बात समझ जाते हैं कि मुगलों से खुले मैदान में लड़ना तो हमारे बस की बात बिल्कुल नहीं, इसलिए उन्होंने मुगलों को हराने के लिए खतरनाक चाल चल डाली, और ये चाल कामयाब भी रही। वो चाल आखिर क्या थी, तो सुनते जाइए। औरंगजेब से हारने के बाद अंग्रेज इंग्लैंड वापस नहीं गए,
बल्कि उन्होंने बादशाह औरंगजेब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, रोए, गिड़गिड़ाए और आगे ऐसी बगावत या गलती ना करने की कसम खाई। बादशाह औरंगजेब भारत के व्यापारी फायदों को देखते हुए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाकर इन ब्रिटिशर्स को माफ कर देते हैं। लेकिन ये माफी अंग्रेजों के लिए आगे चलकर बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई, क्योंकि साल 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद अंग्रेजों ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, यानी मुगल सल्तनत को खत्म करने का और भारत पर अपना कब्जा जमाने का मिशन शुरू कर दिया। बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत के तख्त पर कमजोर हुक्मरान आते चले गए और मुगलिया सल्तनत पहले से कमजोर पड़ गई, जिसका सीधे सीधा फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ और ब्रिटिशर्स ने कमजोर मुगलिया सल्तनत का बहुत फायदा उठाया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 1717 में मुगल सल्तनत के तख्त पर बादशाह फरखुशियार आकर बैठ गए और बादशाह बनते ही उन्होंने अंग्रेजों को एक शाही फरमान भी जारी कर दिया। इस शाही फरमान के मुताबिक अब अंग्रेज भारत में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे, यानी अंग्रेजों को अब सिर्फ मुगलिया सल्तनत को ही सालाना भुगतान करना था। शाही फरमान के अंतर्गत ब्रिटिशर्स अपने व्यापारी काफिलों के लिए दस्तक यानी टैक्स फ्री पर्चा भी निकलवा सकते थे, जिस पर्चे को देखकर कोई भी रियासत अंग्रेजों के उस काफिले पर टैक्स नहीं लगा सकती थी। लेकिन अंग्रेज इस दस्तक पर्चे के फरमान का गलत इस्तेमाल करने लगे। ये सब हरकतें देखकर बंगाल के नवाब ब्रिटिशर्स को दस्तक पर्चे का गलत इस्तेमाल करने से रोक देते हैं और बंगाल में बनी ईस्ट इंडिया की फैक्ट्रीज पर भी पाबंदी लगा देते हैं। ये वही दौर था जब ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ने ईरान को बदहाली से निकालने के लिए साल 1739 में भारत पर हमला कर दिया था। उस वक्त भारत के राजा मुगल सल्तनत के बादशाह मोहम्मद शाह थे, लेकिन मुगल राजा मोहम्मद शाह ईरानी नादिर शाह के इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और मुगलिया सल्तनत अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस वजह से ईरान के राजा नादिर शाह अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और काफी ज्यादा लूट मार मचा डालते हैं। इस लूट मार में तकरीबन 70 करोड़ की मालो दौलत, मशहूर कोहिनूर हीरा और मयूरासन नाम का बहुत कीमती शाही तख्त भी अपने साथ उठाकर ईरान वापस चले जाते हैं। नादिर शाह की इस लूट से भारत और मुगल सल्तनत को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से दक्षिण में मराठा और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों मुगलिया सल्तनत के अंदर अपने बगावती सर उठाने लगते हैं। लेकिन ये दोनों अंग्रेज और मराठा मुगलों से सीधी और खुलेआम बगावत नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि हम मुगलों से मैदान में बाजी नहीं मार सकते और अगर हमने बाजी मार भी ली, यानी अगर मुगल सल्तनत से भारत की राजसत्ता छीनने में हम कामयाब हो भी गए, तब भी हम उस तरह से पूरे भारत को संभाल नहीं पाएंगे जिस तरह से मुगल संभालते आ रहे हैं, क्योंकि मुगल सल्तनत भले ही कमजोर हो चुकी हो लेकिन उनकी हुकूमत में पूरे भारत की राजसत्ता में एकता बनी रहती थी। बंगाल, मराठा, हैदराबाद, अवध या फिर ब्रिटिशर्स ही क्यों न हो, सभी मुगलों की हुक्मरानी को कबूल किया करते थे, यानी मुगलों के मातहत और उनके नीचे रहकर अपना अपना काम निकाला करते थे। वहीं दूसरी तरफ मराठाओं और ब्रिटिशर्स को भारत की राजसत्ता अगर मिल भी जाती तब भी उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत में कोई भी छोटी रियासतें उन्हें उस तरह से कबूल ही नहीं करने वाली थी जिस तरह से मुगलों को कबूल किया जाता था। मतलब कि ये मुगल लोग भारत के दिलों पर राज किया करते थे और यही सब करने के लिए ब्रिटिशर्स सबसे पहले बंगाल के हुक्मरान यानी नवाब को तख्त से हटाने की साजिश करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स अभी इतने ताकतवर नहीं हुए थे कि वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को खुली चुनौती दे सके, इसलिए बुजदिलों का रास्ता अपनाते हुए साजिशों में लग जाते हैं। सबसे पहले वो बंगाल के बड़े व्यापारी जगत सेठ को अपने चांसे में फंसाते हैं और जगत सेठ के जरिए बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लेते हैं। उसके बाद ये सब साथ मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत कर डालते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। ये भारत की अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई थी जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग लड़ने वाले भी मुसलमान ही थे। लेकिन अफसोस, नवाब सिराजुद्दौला अपनों की बगावत की वजह से प्लासी की लड़ाई हार गए और फिर ब्रिटिशर्स ने अपने पालतू मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। दूसरी तरफ मराठाओं ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। मराठाओं ने साल 1759 में मुगल बादशाह शाह आलम दूसरे से मिलकर एक मुआहदा तय कर लिया,
मराठाओं की ये पेशकश थी कि वो मुगलिया सल्तनत की हिफाजत करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और फौजी मदद भी करेंगे और बदले में सल्तनत के छोटे छोटे खित्तों के टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए। मुआहिदा तय हो गया और बगावत करने वाले मराठा अब मुगल सल्तनत के हिफाजत करने वाले यानी रक्षक बन चुके थे। अब मुगल सल्तनत की तरफ उठने वाले हर कदम को सबसे पहले मराठाओं से टकराना था और ऐसा वाकई में हुआ भी। एक दफा जो ईरानी बादशाह नादिर शाह हिंदुस्तान को लूट चुके थे, उनके मरने के बाद उनके सिपह सालार अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर नजरें गड़ाए बैठे थे, हमला करने का इरादा भी रखते थे और उन्होंने ये हमला कर भी दिया। लेकिन इस हमले का जवाब अब मुगलों को नहीं बल्कि उनके रक्षकों को यानी मराठाओं की तरफ से दिया जाना था। सो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में साल 1759 में पानीपत की तीसरी जंग हुई। लेकिन अफसोस, मराठाओं को इस जंग में हार हुई। अब मराठाओं की इस हार की वजह से भारत की राजसत्ता में एक बड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि उस तरफ अहमद शाह अब्दाली भी इतना ताकतवर नहीं था कि मराठाओं से जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर सके, क्योंकि मराठा भी पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह अब्दाली को अपना लोहा मनवा कर हारे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत की लड़ाई से यह तो तय नहीं हो सका कि कौन भारत पर राज करेगा, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि कौन राज नहीं करेगा। मराठाओं की हार से आने वाले बदलाव का ब्रिटिशर्स पूरा फायदा उठाते हैं और भारत के खिलाफ एक दूसरी जंग छेड़ देते हैं। ये जंग साल 1764 में हुई थी और इसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से याद किया जाता है। 1764 की इस जंग में ब्रिटिशर्स की फौज बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम दूसरे की मिलीजुली फौज को हरा देते हैं और जंग जीतने के बाद हुए इलाहाबाद मुआहिदे के हिसाब से ब्रिटिशर्स मुगल सल्तनत से बंगाल, ओडिशा और बिहार के इलाकों पर टैक्स वसूली जब्त कर लेते हैं। यानी पहले ये तीनों खित्ते मुगलों को टैक्स देते थे, वही टैक्स अब इन्हें अंग्रेजों को देना था। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने के कुछ सालों बाद ही मराठा, मैसूर और हैदराबाद साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को हराने की आखिरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोमड़ी जैसे चालाक थे। ये बुजदिल कभी भी सामने से हमला नहीं करते थे बल्कि चिंगारी देकर साइड में हट जाते थे और जलती हुई आग में अपने हाथ सेक लेते थे, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि मराठा, हैदराबाद और मैसूर में बगावतें उनके खिलाफ सर उठा रही है, तो उन्होंने सबसे पहले मराठाओं को अपना निशाना बनाया। ब्रिटिशर्स मराठाओं के अंदर चल रही सरदारों की और पेशवाओं की लड़ाइयों के बारे में जानते थे और मराठाओं की इसी कमजोरी पर उन्होंने वार भी किया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एंग्लो मराठा लड़ाइयों में जीत कर मराठाओं को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जैसे सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़ और होलकर राजाओं को एक दूसरे से अलग कर दिया। इन अंग्रेजों ने मराठाओं के कुछ सरदारों से दोस्ती और कुछ से दुश्मनी कर ली। इन्हीं सरदारों में से सिंधिया और भोंसले ब्रिटिशर्स से मिल गए। ब्रिटिशर्स और इन रजवाड़ों के बीच में एक मुआहिदा तय होता था जिसके हिसाब से ब्रिटिशर्स इन रजवाड़ों की यानी सिंधिया और भोंसले जैसे शाही परिवारों की हिफाजत किया करते थे। बदले में ये शाही परिवार ब्रिटिशर्स की फौज को मुआवजा और जरूरियात की सारी चीजें देने के पाबंद थे। दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम से हाथ मिलाकर ब्रिटिशर्स ने भारतीय एकता का दूसरा पिलर भी गिरा दिया। अभी ये सब होने की वजह से मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन इन ब्रिटिशरों के सामने घुटने टेकना पसंद नहीं करते और इन लोगों के सामने लड़ते लड़ते आखिरकार एंग्लो मैसूर की चौथी जंग में साल 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद इन अंग्रेजों के पर और भी ज्यादा खुल जाते हैं। ये तो थी भारत की राजनीतिक ताकतों को अंग्रेजों द्वारा खत्म कर देने की बात। इसके साथ ही साथ इन अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक ताकतों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, और वो ऐसे कि 18वीं सदी के भारत में मुगल, मराठा और बाकी सभी लोग अपने धार्मिक और पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से जिंदगी गुजार रहे थे। इन रियासतों की लागत यानी टैक्स का जरिया गरीब और लाचार किसान ही हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास तो अच्छा व्यापार, जमीनों के बेहतर मुआहिदे और सबके लिए समान कानून होने की वजह से ये लोग भारत के कई समाज और तबकों के लोगों की हिमायत यानी समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अंग्रेजों के एक अधिकारी लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग के प्राच्यवाद की वजह से बहुत सारे भारतीय उनके चाहने वाले बन जाते हैं। वहीं 1793 के हमेशा के लिए जमीनी मुआहिदे की वजह से कई जमीन
जमींदार और साहूकार उनके हिमायती बन जाते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से बनाए गए कानून और पुलिस व्यवस्था की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक अपनी भाषा इंग्लिश को ऊंचे दर्जे की भाषा बनाकर मुगलों की हुकूमत को धीरे धीरे हटाने लगते हैं। यानी अब भारत के ज्यादातर बड़े बड़े ओहदेदार मुगल नहीं बल्कि अंग्रेज चुना करते थे और बड़े बड़े ओहदों पर अंग्रेजों को वहीं छोटे छोटे मुलाजिमों के ओहदे पर हिंदुस्तानियों को रखा करते थे। इन सबसे हटकर 19वीं सदी में अंग्रेजों के किए गए पढ़ाई और सामाजिक सुधारों की वजह से राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उनके समर्थक बन जाते हैं। साल 1857 का विद्रोह आने से पहले कुछ जमींदार, शाही रजवाड़ों के राजा, शहरी इलाकों में रहने वाले शाही परिवार और ब्रिटिश फौज में मौजूद कुछ भारतीय ज्ञाति के लोग ब्रिटिश हुकूमत के पैरोकार बन जाते हैं और इस तरह से ब्रिटिशर्स भारत के हर मजबूत हिस्से पर अपने कदम जमा चुके थे। भारत के जमींदार, शाही रजवाड़े, भारतीय और अंग्रेजों की एक फौज और कुछ ज्ञातियों का साथ मिल जाने से अब वो ताकतवर हो चुके थे और भारत पर अपना कब्जा जमाकर मुगल सल्तनत को हमेशा हमेश के लिए हटाने वाले थे। और आखिरकार साल 1857 में उन्होंने ये कर भी दिखाया। दरअसल साल 1857 में ब्रिटिशर्स अंग्रेजों ने जबरन मुगल सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और म्यांमार की राजधानी रंगून में भेज दिया गया और एक अंग्रेज मेजर विलियम हटसन आखिरी मुगल शहजादों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। जिस जगह पर मेजर हटसन ने मुगल शहजादों को मारा था आज भी उसे खूनी दरवाजा के नाम से याद किया जाता है। तो इस तरह से इन अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को खत्म कर दिया और पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों ये थी अंग्रेजों द्वारा मुगल सल्तनत को खत्म करने और भारत पर अपना कब्जा जमाने की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या अंग्रेजों द्वारा मुगल सल्तनत को खत्म किया जाना ये भारत के लिए सही था या गलत था, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।